आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोको M3 डिवाइस में न्यू i13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे यार इस अपडेट के कॉन्फर्म डेट के बारे में। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि ये अपडेट को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे कि आपके डिवाइस में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए ना मिले। सो गाइस अगर आप भी हैं पोको M3 डिवाइस के यूजर्स तो यार आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक ज़रूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पोको M3 डिवाइस में न्यू i13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, ये तो खैर हम वीडियो में आगे बात कर लेंगे। यार इससे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग के डिवाइस में रिसेंट में ही एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट पुश किया गया है। इस अपडेट का वर्जन आप लोग को न्यू i12.5.5.0 का देखने के लिए मिल जाता है। एंड गाइस ये अपडेट का फाइल साइज आप लोग को 203 MB देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि यार फाइल साइज काफ़ी छोटा देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें चेंज लॉग के बारे में तो वह अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच 2 अगस्त 2022 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, इट मीन्स यार इंक्रीज कर दिया गया सिस्टम सिक्योरिटी को। आप अपने डिवाइस को जैसे ही MIUI 12.5.5.0 वर्जन के साथ में अपडेट करेंगे तो आपके डिवाइस का जो सिक्योरिटी पैच होगा वो अगस्त 2022 के सिक्योरिटी पैच पे रन करेगा। अगर हम बात करें यार MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 के अपडेट के बारे में तो यार ये अपडेट का फाइल साइज आप लोग को 3 GB के अप्रॉक्स में देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि यार आप लोग को ना दो अपडेट एक साथ में देखने के लिए मिलेगा MIUI 13 एंड एंड्रॉइड 12 का। इसी वजह से फाइल साइज थोड़ा सा लंबा देखने के लिए मिलेगा। तो यार आप अपडेट को कैसे इंस्टॉल करेंगे कि आपके डिवाइस में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए ना मिले। तो यार आपको जो अपडेट देखने के लिए मिलेगा ना वो आप अपडेट को कंटिन्यू में डाउनलोड करने के बाद उसके बाद इंस्टॉल करना, तो यार आप लोग को कोई भी बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप अपडेट को कहीं पर भी पॉज करते हैं उसके बाद फिर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो आप लोग को ना बग एंड इशू देखने के लिए मिल सकता है। सो इसी वजह से आप कंटिन्यू में डाउनलोड करने के बाद ही इंस्टॉल करना, तो यार आपके डिवाइस में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि पोको M3 डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। हम बात करते हैं एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में। तो यार देखो ऑलरेडी सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिल गया, तो पोको M3 डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। सो गाइस हो सकता है कि आप लोगों ना अक्टूबर महीना के एंड वीक में अपडेट देखने के लिए मिल सकता है पायलट यूजर्स को। सो गाइस पायलट यूजर्स जितने भी हैं वो थोड़ा सा अलर्ट रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहना। उसके बाद यार अगर पायलट यूजर्स को कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है तो उसके अप्रॉक्स 1 वीक बाद अपडेट सभी यूजर्स के लिए रोल आउट होना स्टार्ट होगा, लेकिन अपडेट उसमें से भी कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलेगा एंड अपडेट अप्रॉक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस इसी वजह से अलर्ट रह के अपडेट को चेक करते रहना। वैसे यार पोको M3 डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलना स्टार्ट होगा, यार आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पे नई वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।